है गाइस, कल मैंने शेयर किया था MIUI Pro पोर्टेड रोम मैक्स प्रो M1 के लिए और प्रॉमिस किया था नेक्स्ट डे मैं इसका रिव्यू कर दूंगा। तो इतने कम समय में जितना मैं टेस्ट कर पाया आपसे अभी शेयर कर दूंगा एंड आई होप कि इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रोम कितना स्टेबल है और आपका डेली ड्राइवर बन सकता है या नहीं। गाइस, इंस्टॉलेशन के बारे में आप मुझसे मत पूछना, इस पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस, कॉमन सवाल जो सब लोग कर रहे थे कल मुझे इस रोम से रिलेटेड। तो गूगल पे काम कर रहा है? जी हाँ, मैंने टेस्ट किया है, काम कर रहा है। डुअल 4G, मैंने दो जियो सिम कल जुगाड़ करके इस पर ट्राई किया, दोनों सिम यानी डुअल 4G काम कर रहा है। फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक के बारे में मैंने कल बता दिया था, कल का वीडियो आपने नहीं देखा तो बता दूं कि ये काम कर रहा है। एंड फेस अनलॉक के लिए आपको एक zip फाइल मिलेगा, रोम फ्लैश करने के बाद, सेटअप करने के बाद फिर से आप उस zip को फ्लैश कर लेना। डुअल ऐप्स के बारे में किसी ने पूछा, जी हाँ काम कर रहा है। फेसबुक मैंने ट्राई किया, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप दूसरे ऐप्स भी ट्राई करके देख सकते हो। स्टैंड बाय यानी आइडल मोड पे आपको बैटरी ड्रेनिंग का इश्यू देखने को नहीं मिलेगा इस रोम में। एंड पबजी मैंने 35 मिनट खेला, 6-7% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला और कोई भी हीटिंग इशू अभी तक मैंने नोटिस नहीं किया। MIUI के कैमरे से आप पिक्चर्स एंड वीडियोस ले सकते हो बट स्लो मोशन काम नहीं कर रहा है एंड फ्रंट का पोर्ट्रेट मोड भी काम नहीं कर रहा है। शायद रियर से भी पोर्ट्रेट मोड काम ना करे, मैंने ट्राई नहीं किया है, बट गूगल कैमरा है 5.1 ट्राई करो, मैंने ट्राई किया है एंड ये परफेक्टली काम कर रहा है। स्पीकर वॉल्यूम थोड़ा सा लो है, यूट्यूब में भी आप नोटिस करोगे ये आपको थोड़ा सा लो लगेगा कंपेयर टू स्टॉक। गेम खेलते वक्त स्पेशली पबजी में भी मैंने नोटिस किया वॉल्यूम लो है, बट हेडफोन्स के साथ सुपर से भी ऊपर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, गजब साउंड क्वालिटी है। बट गाइज, हेडफोन के साथ आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस अमेजिंग मिलने वाला है, अराइज डॉल्बी बिल्ट इन मिलेगा आपको इसमें। एंड मैं 30% से ज़्यादा वॉल्यूम लाउड ही नहीं कर पाया, इतना लाउड एंड अमेजिंग साउंड क्वालिटी है इसका। FM रेडियो भी काम कर रहा है यानी म्यूजिक एक्सपीरियंस आपका धमाकेदार होने वाला है इस रोम में। नेटिव डायलर में आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन तो दिखेगा बट ये अनफॉर्चुनेटली काम नहीं कर रहा है। कॉल्स लेने में इन कॉल वॉल्यूम नेटवर्क रिसेप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लूटूथ हेडसेट काम नहीं करेगा एंड ये बग सेक्शन में ऑलरेडी मेंशनड है। GPS लोकेशन सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं, डबल टैप टू वेक, LED नोटिफिकेशन, रीडिंग मोड काम नहीं कर रहा है। एंड गाइस, बहुत से लोग रिकॉर्डिंग ऐप के बारे में पूछते हैं जो कि बिल्ट इन है और ये काम कर रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप अगर काम ना करे तो साउंड सेटिंग्स में जाकर सिस्टम साउंड को चेंज करके माइक या म्यूट सेलेक्ट कर लेना, ये काम करेगा। गाइस, अगर आप ओकेशनली पबजी खेलते हो तब तो फिर चल जाएगा, लेकिन अगर आप हार्डकोर पबजी प्लेयर हो तो फिर आपको थोड़ा सा पबजी में इशू मिलेगा। ग्राफिक्स इतना स्मूथ नहीं है, बीच बीच में थोड़ा सा लैग्स एंड फ्रेम ड्रॉप्स भी देखने को मिलेगा, बट नेक्स्ट अपडेट के बाद ये फिक्स कर दिया जाएगा। इनफैक्ट फिक्स कर दिया गया है और बहुत जल्द आपको इस रोम का नया अपडेट भी मिल जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है, आपको इस रोम का रेगुलर अपडेट्स भी मिलता रहेगा। गाइस, टॉर्च लाइट टॉगल काम कर रहा है, अगर ये काम ना करे तो आप प्ले स्टोर से फ्लैश लाइट कोई ऐप इंस्टॉल कर लेना। चार्जिंग स्पीड मुझे नॉर्मल लगा, ब्राइटनेस स्लाइडर एंड ऑटो ब्राइटनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्री फिंगर्स स्क्रीनशॉट भी काम कर रहा है। गाइस, कुछ MIUI के फीचर्स जो कंपैटिबिलिटी इशू के कारण से शायद काम ना करे बट ओवरऑल रोम काफ़ी स्टेबल है। इंस्टॉलेशन के बाद थोड़ा सा आपको लैग्स देखने को मिलेगा बट एक दो बार इसे रिबूट कर देना और कुछ घंटे के बाद ये आपको मस्त स्मूथ एंड क्विक लगेगा, बिल्कुल रॉक सॉलिड। अभी तक एक भी ऐप या कोई भी सिचुएशन में मेरा फ़ोन हैंग नहीं किया और ना ही लैग किया। गाइस, कल मैंने ये रोम फ्लैश किया और आज रिव्यू कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला बट जितना मैं टेस्ट कर पाया मुझे ये रोम काफ़ी स्टेबल लगा। और अगर आप MIUI ट्राई करना चाहते हो अपने मैक्स प्रो M1 में तो आपको ये रोम ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, इसे लाइक एंड शेयर करके इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए। एंड गाइज, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए एंड देखते रहिए iPhone Unboxed।